नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीडीप इन्वेस्टमेंट में। आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं दो स्टॉक के ऊपर, इमेजिका वर्ल्ड एंड एससीसी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के ऊपर। दोस्तों इमेजिका वर्ल्ड दोस्तों जबरदस्त एंटरटेनमेंट किया दोस्तों, 1 लाख से 20 लाख बना दिया था और कंटिन्यूस अपर सर्किट चल रहा था, बट दोस्तों आज लोअर सर्किट के ऊपर आ चुका है स्टॉक। तो अगर बात करें इमेजिका वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के ऊपर तो 42.40 का है दोस्तों। आज स्टॉक ओपन हुआ 46.80 पे, हाई बनाया 46.80 का और लो बनाया 42.40 का। दोस्तों ट्रेडेड वॉल्यूम की बात करें 66 लाख के आसपास का वॉल्यूम है दोस्तों, और क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है 52,32,000 की और डिलीवरी क्वांटिटी है 30,81,000 की। 58.89% का डिलीवरी परसेंटेज है और दोस्तों लोअर सर्किट में 1.72 लाख का दोस्तों सेलिंग प्रेशर बनाया हुआ है। दोस्तों बात करें कि दोस्तों आज बिल्कुल अपर सर्किट में लॉकिंग था, फिर सर्किट ओपन हुई नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर दोस्तों नीचे आया, फिर दोस्तों थोड़ी सी ट्रेडिंग हुई और बिल्कुल लोअर सर्किट में आके बंद हो गया है। दोस्तों पिछले 5 दिनों के कारोबार की बात करें तो दोस्तों कंटिन्यूस हमें अपर सर्किट मिल रहा था और ये दोस्तों हमें आज का नहीं दोस्तों बहुत टाइम से कंटिन्यूस अपर सर्किट मिल रहा था। जब 20 रुपये के आसपास का लेवल जो था दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट लेवल था, जो तोड़ा था और हमने बोला था कि यहाँ पे आपको बाय बनता है दोस्तों, बट बहुत ही अच्छा रिटर्न मिला है। अगर पिछले 1 साल के अंदर बात करें तो जबरदस्त रिटर्न दिया है ये स्टॉक ने और पिछले 5 सालों में दोस्तों नेगेटिव रिटर्न आया है। अगर लॉन्ग टर्म में बात करें तो दोस्तों जो उसका आईपीओ प्राइस था वहां से काफी बड़ा गिरावट आई थी, एकदम पेनी स्टॉक बन गया था दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल वेट करना चाहिए क्योंकि दोस्तों पिछले 1 महीने में काफी बढ़िया रैली हुई है, तो अभी यहाँ पे बाय करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। थोड़ा और नीचे आएगा या फिर वहां से ऊपर जाता है वो देखेंगे, उसके बाद दोस्तों निर्णय लेंगे। अब बात करते हैं एससीसी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के ऊपर। वहां पे काफी अच्छी तेजी बन रही है दोस्तों और बहुत ही तगड़ा ब्रेकआउट भी आया है। अगर बात करें 14.70 का अभी का प्राइस चल रहा है क्लोजिंग प्राइस ऊपर, ओपन हुआ है स्टॉक 12.75 और हाई बनाया 15.10 का, लो बनाया 12.75 का। अगर ट्रेडेड वॉल्यूम की बात करें तो 5,42,41,479 है। क्वांटिटी ट्रेड की बात करें तो 3,48,00,000 का क्वांटिटी ट्रेड हुआ है। डिलीवरी क्वांटिटी है 1,90,00,000। 54.63% का डिलीवरी परसेंटेज है जो काफी अच्छा है। अगर बात करें हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की तो आज दोस्तों अपवर्ड मूवमेंट है। 5 दिन के अंदर दोस्तों कुछ ज्यादा अपवर्ड मूवमेंट नहीं था, 4% ज्यादा बढ़ा था और 1 मंथ के अंदर दोस्तों रेंज बाउंड थोड़ा मूवमेंट था और आज तोड़ा है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट हमें मिला है काफी टाइम के बाद। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर नजर डाल देते हैं तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर अपना होल्डिंग कम कर दिया है इस क्वार्टर के अंदर। FII भी अपना होल्डिंग कम कर दिया है और DINA भी कम कर दिया है दोस्तों। तो एक खतरे की घंटी होती है दोस्तों जब बड़े इन्वेस्टर भाग रहे, और जो DI पब्लिक का होल्डिंग है वो सबसे हाई है। और अगर बात करें 2019 से तो 29.71% का होल्डिंग था, वो बढ़ के 42.24 हुआ है दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों फंडामेंटल्स के ऊपर, उसके बाद चार्ट के ऊपर चलते तो मार्केट कैप है 2,242 करोड़ का है दोस्तों और ROCE है 61 का जो काफी अच्छा है, और डेप्ट है 2,018 करोड़ का है दोस्तों। तो डेप्ट ये बहुत ही ज्यादा इश्यूज रहते हैं ऐसी कंपनी के अंदर दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो दोस्तों 10,000 करोड़ के आसपास का दोस्तों सेल्स है, 10,517 का, और अभी आप देखेंगे तो दोस्तों 9,411 का एक्सपेंस आ सकता है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,106 है। 11% का अगर ऑपरेटिंग मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो दोस्तों नेट प्रॉफिट नेगेटिव आ सकता है। लास्ट ईयर में दोस्तों पॉजिटिव आया था दोस्तों, इसके लिए थोड़ा इम्पैक्ट बन सकता है। मार्च 2021 में भी दोस्तों वो हालत हुआ था कि नेगेटिव हो गया था। तो यहाँ पे आप ओवरऑल देखेंगे तो दोस्तों कंपनी जो है नेगेटिव में चल रही है सिर्फ 2020 में, और 2022 में इसे पॉजिटिव रिजल्ट आया था, यानी कि टर्न अराउंड स्टोरी का ये कैंडिडेट है दोस्तों। अब बात करते हैं चार्ट के ऊपर दोस्तों। तो पहले तो दोस्तों ये स्टॉक जो है एसईसी हमारे लिए नया नहीं है दोस्तों, पहले भी ऐसे बड़ा ब्रेकआउट आया था और हमें कंटिन्यूस तेजी दिखा के गया था ये स्टॉक। अब ये तेजी का दोस्तों ये ब्रेकआउट क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए डेली चार्ट के ऊपर आप रेजिस्टेंस जून 2022 का है, 23 जून, 24 जून, 27 जून, यहाँ पे आप देखिए जुलाई का, 12 जुलाई का हाई है, ये 21 जुलाई का हाई है, इसको तोड़ा बट दोस्तों पॉजिटिव कैंडल नहीं था, वॉल्यूम था। और यहाँ पे आप देखिए कि दोस्तों होल्ड करने की कोशिश करता था ये लेवल को और कंटिन्यूस रेजिस्टेंस फेस किया है और आज इस लेवल को तोड़ा है, वॉल्यूम के साथ तोड़ा है दोस्तों, तोड़ा है। ब्रेकआउट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वॉल्यूम बहुत ही बढ़िया है और दोस्तों पॉजिटिव कैंडल है दोस्तों। अगर आज के कारोबार की बात करें, हाई बनाए 15.10 और क्लोज बनाए 14.85। कल दोस्तों अगर ये लेवल को तोड़ता है, 15.10 के ऊपर जाना स्टार्ट करता है, तो फिर हमें वहां पे बाइंग करना चाहिए और दोस्तों जो हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट है वो 19 रुपीज के आसपास रहेगा। अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है तो क्या टारगेट हो सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। उसके लिए हम रिट्रेसमेंट लेवल निकाल लेते हैं और यहाँ पे हम आपको
ले चले हैं दोस्तों रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर। तो वहां पे आप देखेंगे 14.38.2% यानी कि 14.20 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, और 50% का जो रिट्रेसमेंट है वो 15.30 है दोस्तों। तो आपका पहला टारगेट वो हो सकता है, और 61.20 यानी कि 16.48 का टारगेट दूसरा हो सकता है। अगर उसको तोड़ देता है तो दोस्तों आपको 19 तक का वेट करना चाहिए, क्योंकि गोल्डन रेशियो रिट्रेसमेंट टूटेगा और बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आपको आने वाले टाइम में मिल सकता है दोस्तों। ये सारे मेरे पर्सनल व्यू है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।